तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 में पहला सम कराने जा रहा हूं। देखिए ये जो सम कराने वाला हूं, देखिए ये चीज आपको पहले से कुछ आता है और कुछ नया सीखोगे इस स्टैंडर्ड में आके, मतलब क्लास 10th में आकर। देखिए यहां पर दिया क्या, देखिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग, अच्छे से रीड करेंगे क्या पूछा गया है, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए फाइंड द जीरोस, पहले आपको फाइंड करना है जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मतलब जो भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। आगे बढ़ते देखिए, उसके बाद बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, फाइंड द जीरोस पूछा गया, वो पहले फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे देखिए, ये तीन टर्म दिया है तो हम एल मेथड करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो मिडिल टर्म होगा, याद रखिए मिडिल टर्म अलोंग विद साइन, मिडिल टर्म में आपको साइन लेना पड़ेगा। देखिए यहां पर -2 है तो आप -2 लोगे, क्लियर हो गया चीज। अब देखिए ऐसा कोई फैक्टर कीजिए, ऐसा कोई मल्टीप्लाई कीजिए जो मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद यहां पर 2 आ जाए। देखिए यहां पर 8 है तो एक काम करता हूं 4 2 8 कर देता हूं। अब मुझे क्या चाहिए, -2 चाहिए, तो बड़े को माइनस छोटे को प्लस देता हूं, जिससे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन सेट हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो गया, बड़े की साइन माइनस की हो गई, तो 4 में से 2 गया तो -2 बचा, ये क्लियर हो गया। अब जो ये दो नंबर आया वो हम क्या करेंगे, मिडिल में लिखेंगे, क्योंकि इसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। अब देखिए यहां पर लिखने जा रहा हूं 4x + 2x - 8 लिख लिया। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, इन दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे, इनमें कॉमन क्या है देखिए x² और x है तो x कॉमन है तो मैंने कॉमन निकाल लिया, यहां पे x बचा -4। अब देखिए इन दो टर्म में से कॉमन क्या है, इन दो टर्म में से कॉमन देखिए 2 और 8 है तो मैं लिख सकता हूं 2 इज अ कॉमन तो x हो गया और 2 4 8 हो गया, क्लियर हो गया। जब ये दो टर्म जो है, ये दो ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट अगर सेम आ जाता है तो 99% आंसर हमारा राइट हो जाता है। तो क्या करेंगे, दो बार लिखा है तो एक बार लिखेंगे x - 4 और x + 2, ये हो गया हमारा। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक तो आप जो पहले करते थे 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में करते थे, अब कुछ नया सीखोगे इसमें। देखिए नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। उसके बाद क्या करोगे आप, ये -4 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा, तो x = 4 एंड x = -2, ये हो गया काम। तो नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या था, ये देखिए 4 और -2 ये दो नंबर ऑफ जीरोस है तो दो नंबर ऑफ जीरोस आ गया, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई किसके करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, चलिए कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन, ठीक है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ए x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इससे पता क्या चलेगा मुझे, देखिए यहां पर ए एक्स स्क्वायर दिया है, मतलब यहां पर जो नंबर होगा या छुपा हुआ क्या है, 1 छुपा हुआ है, तो कह सकता हूं मैं देयरफॉर ए इक्वल टू 1, बी क्या होगा, देखिए बी देखिए यहां पर -2 छुपा हुआ है तो देखिए लिखेंगे यहां पर -2, और सी क्या है, देखिए यहां पर सी जो है वो -8 है। कंपेयर करने पर ये सारे वैल्यू मिल गए हैं। अब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट निकाल लिया, अब क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग सम ऑफ द जीरो। पहला चीज सम ऑफ द जीरोस में लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा बीटा क्या है, जो नंबर ऑफ जीरोस आया है आपको, एक को आप अल्फा एज्यूम कर लो और दूसरे को आप बीटा एज्यूम कर लो। तो देखिए पहला क्या है, आप यहां पर 4 हमारा है उसको हम अल्फा एज्यूम कर लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे 4 और प्लस, अब माइनस में लिखेंगे हम लोग -2 जो है वो बीटा सपोज कर लेंगे, चलिए हो गया काम मेरा। अब देखिए यहां पर 4 प्लस माइनस माइनस होता है 2 आ गया, तो यहां पे कितना बचेगा मेरे पास, 2 बचेगा। ये तो हुआ सम ऑफ द जीरो। अब रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट का, तो क्या करेंगे यहां पर देखिए ध्यान से, देखिए एक लाइन को आप लीव कर दोगे, दूसरे लाइन में लिखोगे -b / a,
ये माइनस बी अपॉन ए क्या है, समझिए अच्छी तरह समझिए इसको। माइनस बी मतलब ये होता है, देखिए ये क्या है, देखिए माइनस बी है, ये माइनस बी है, अगर ये माइनस बी है तो मतलब क्या हो रहा है, यहां पर लिखूंगा यहां पर मैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा। नीचे क्या आएगा देखिए ए, ए मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां लिखता हूं यहां पर मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका मैं मतलब लिख दिया हूं मैंने। अगर आप एग्जाम में अगर ये नहीं लिखोगे, माइनस बी अपॉन ए लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जो लाइन मैंने यहां पे स्किप किया था, मैंने ये लाइन छोड़ दो, तो अब देखिए यहां पर फॉर्मूला का माइनस लिखा मैंने, ब्रैकेट रखा मैंने, अब देखिए क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब माइनस मेरा फॉर्मूले में था और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू देखिए यहां पर माइनस टू है, तो यहां पर मैं माइनस टू लिखता हूं, क्लियर हो गया। अब ए की वैल्यू क्या है, देखिए यहां पर वन है, तो यहां पर मैं वन लिखता हूं, इक्वल टू देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे वन है तो मतलब कुछ नहीं है, तो आप लिखोगे टू, देखिए यहां पर सेम हो गया। बस इसी चीज को वेरीफाई करना था आपको, इन दोनों का आंसर सेम होता है कि नहीं होता है। तो ये तो हो गया सम ऑफ द जीरोस, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी निकालेंगे। तो एक काम कीजिए, ये पूरा कॉपी कर लीजिए आप फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी करेंगे हम लोग। चलिए हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करते हैं, यहां पर हम इसको रफ कर लेता हूं, मैं इस साइड कर लूंगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, हम यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जैसे कि सम ऑफ द जीरोस के अंदर, सम ऑफ द जीरोस के अंदर अल्फा प्लस बीटा किया हम लोग ने, यहां पर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो क्या करेंगे देखिए, अल्फा क्या था हमारा, हमें पता है 4 अल्फा था हमारा, और मल्टीप्लाई बीटा क्या था, माइनस टू बीटा था। तो देखिए 4 टू सा क्या होगा, 8 होगा, और माइनस 7 में तो माइनस 8 होगा, क्लियर हो गया। अब क्या करोगे आप, एक लाइन छोड़ दोगे, नीचे लिखोगे सी अपॉन ए लिखोगे, ठीक है। अब सी क्या है, C क्या है, C होता है कांस्टेंट टर्म होता है, तो मतलब लिख देता हूं यहां पर कांस्टेंट टर्म। अब A क्या है, आपने लिखा था A का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू लिखने जा रहा हूं, देखिए C की वैल्यू क्या है, यहां पर देखिए C का वैल्यू जो है माइनस 8 है, तो यहां पर माइनस 8 लिखा मैंने, और A का वैल्यू क्या है, यहां पर 1 है, तो 1 मतलब क्या होता, कुछ होता ही नहीं है, इसलिए क्या होगा, माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर माइनस 8 और यहां पर माइनस 8, तो ये क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, जो हमने सम ऑफ द जीरोस निकाला और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाला, ये सारा कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट सम था ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए हम नेक्स्ट सम करते हैं, हम लोग सेकेंड सम करते हैं।